दुनिया में भारत का सबसे रिलायबल भरोसेमंद दोस्त कौन है? इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही होगा कि रशिया। लेकिन बदलते दौर में एक देश ऐसा भी है जो भारत के लिए नया रशिया बनता जा रहा है, और इस देश का नाम मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया, उस देश का नाम फ्रांस ही हो सकता है। आज हम आपको देश हित में दिखाएंगे कि आखिर क्यों भारत को फ्रांस में नया रशिया दिखता है। कल पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात जिस तरह की रही, दोनों जिस गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के गले लगे, उसके बाद से इस बात की चर्चा ज्यादा है कि क्या फ्रांस भारत के लिए रशिया जैसा भरोसेमंद दोस्त बन सकता है, और अगर बन सकता है तो भारत को क्या क्या फायदे होंगे। भारत माता की जय। मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इस मुलाकात के बाद दुनिया भर में सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो देशों की दोस्ती की चर्चा हो रही है। ये दो देश हैं भारत और फ्रांस। इसीलिए इस तस्वीर को सिर्फ ऐसे मत देखिए कि पीएम मोदी और मैक्रों गले मिल रहे हैं, सच तो ये है कि भारत और फ्रांस गले मिल रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई है जब यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई है जब अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश भारत को रूस की निंदा नहीं करने पर धमकी दे चुके हैं और दबाव बना रहे हैं। उन सभी ताकतों के लिए ये तस्वीर करारा जवाब है। जवाब ये कि नेटो देश होने के बावजूद फ्रांस ने ना तो रूस पर भारत के कदम की आलोचना की, ना दबाव बनाया और ना ही मुंह फुलाया। इंडिया एंड फ्रांस आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड द टू लीडर्स आर आल्सो गुड फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट मैक्रों renewed mandate and the conversations between Prime Minister Modi and the President today allow us to build on existing strength and success of India-France strategic partnership and also chart out a blueprint for its next phase. PM Modi aur Macron ke beech budhwar ko 65 minute tak akele mein baat hui. Is dauran war ka bhi zikr hua. Rus aur Ukraine war ko kaise khatm kiya ja sakta hai? इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन बातचीत सिर्फ वॉर पर नहीं थी। मुद्दे कई थे, जैसे रक्षा क्षेत्र में सहयोग, अंतरिक्ष, सिविल न्यूक्लियर से लेकर हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग और साझेदारी। इन मुद्दों को लेकर दोनों देशों में बातचीत हुई। The two leaders held wide-ranging discussions on all the key areas of bilateral engagement, including in defense, space, civil nuclear cooperation, and people-to-people linkages. They also discussed regional and global issues, including developments in Europe and in the Indo-Pacific. Hind Prashant Mahasagar mein sahyog ka matlab hai vistarvad ke khilaf Bharat aur France ki ekjutta, aur vistarvad ka matlab hai China, yani samandar mein China ke vistarvad ko rokne ke liye bhi dono desh ek saath hain, aur maujooda daur mein Bharat samet duniya ke kai deshon ke liye सबसे बड़ा खतरा विस्तारवादी चीन से ही है। We're now opening up to a new era, a new chapter with a strengthened strategic partnership. Part of the stability of the world is at stake in the Indian Ocean, and I very much would like us together, given that France also is a power present in the Indian Ocean, through our presence also in the Pacific. समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस ने कलवरी पनडुब्बी दी, तो आसमान में हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए पेरिस ने रफाल और मिराज जैसे लड़ाकू विमान दिए। आपको याद होगा जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर जाकर एयर स्ट्राइक की थी तो मिराज फाइटर प्लेन का ही इस्तेमाल किया गया था। अब इस वीडियो को देखिए, ये भारत और फ्रांस की सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। साल 2019 में थार के रेगिस्तान में दोनों देशों की सेना, वायुसेना और नौसेना ने ड्रिल की थी। यानी कूटनीति से युद्ध के मैदान तक दोनों देशों की साझेदारी जिस तरह की दिख रही है, उससे लगता है कि भारत को फ्रांस के रूप में
नया रूस मिल गया है। क्या सच में ऐसा है? भारत और फ्रांस के रिश्तों को अच्छी तरह से समझने वाले विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सुनिए। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत पुराने रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में इन संबंधों में आशातीत वृद्धि हुई है और ये कहा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में यूरोप में रूस के बाद सबसे बड़ा भारत का जो दोस्त है वो फ्रांस रहा है, न कि जर्मनी या ब्रिटेन, क्योंकि फ्रांस ने हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर भारत का समर्थन किया हो। भारत और फ्रांस की दोस्ती वक्त के साथ और मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा है और ये भरोसा एक झटके में नहीं बना, इसे बनाने में सालों लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा नहीं है कि भारत के भरोसे पर फ्रांस पहली बार खरा उतरा हो। यूरोप में जारी वार के दौरान जो भारत वो भारत के रुख का लगातार सम्मान करता रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री भी बताना चाहेंगे, इतिहास बताना चाहेंगे। 24 साल पहले पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भी भारत के फैसले का फ्रांस ने सम्मान किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी से, तब की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन साथ ही हम आपको इतिहास के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भी भारत के फैसले का फ्रांस ने सम्मान किया। अमेरिका समेत दुनिया के सभी परमाणु संपन्न देश भारत के खिलाफ हो गए थे तब। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाबंदियाँ लगा दी थी, लेकिन फ्रांस ने तब भी भारत का साथ दिया था। साल 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह की ओर से जब भारत को रियायत दी गई, तब रशिया के बाद फ्रांस दूसरा ऐसा देश जिसने भारत को परमाणु रिएक्टर देने का समझौता किया था। यूएनएससी का स्थायी सदस्य फ्रांस लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप यानी स्थायी सदस्यता का समर्थन करता आया है। भूले नहीं, फ्रांस एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी भारत की सदस्यता का समर्थन करता है। एनएसजी दरअसल उन देशों का समूह है जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के निर्यात का अधिकार है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जब खत्म हुआ तब पाकिस्तान ने दुष्प्रचार किया, लेकिन फ्रांस ने भारत का साथ दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत को लगातार फ्रांस का साथ मिला है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान को लेकर भी भारत और फ्रांस के विचार एक से हैं। दोनों देश मिलकर आतंकी चरित्र वाले पाकिस्तान को सुधारने में लगे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.